अब तक हमने पढ़ा था कि हम बेसिक स्टेप को n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते थे, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि हम बेसिक स्टेप को n इज इक्वल टू 1 से ही शुरू करें? तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें यह प्रूव करना है कि ये जो गिवन इनइक्वलिटी है वह n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए ट्रू होगा, जहां n एक नेचुरल नंबर है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहां पर बेसिक स्टेप किस प्रकार डिफरेंट है। सिंस इट इज गिवन दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दैट मींस हम n इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। मतलब इस टाइप के स्टेटमेंट्स n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए ट्रू होते हैं, वेयर m कोई नेचुरल नंबर है बट 1 के इक्वल नहीं है। इस क्वेश्चन में m इज इक्वल टू 5 है। अब 4n इज लेस देन 2 की पावर n को हम pn मान लेते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप देखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 5, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, तो अब हमारा LHS यह होगा, जहां 4n में n की वैल्यू 5 पुट करने पर यह मिलता है, जो कि 20 के इक्वल है। अब RHS इज इक्वल टू 2 की पावर 5, वेयर 2 की पावर n में n की वैल्यू 5 पुट करने पर यह मिलता है, जो कि 32 के इक्वल है। वी नो दैट 20 इज लेस देन 32, दैट मींस LHS इज लेस देन RHS, यानी P5 इज ट्रू। अब आगे के स्टेप्स पहले की तरह ही होंगे। इंडक्टिव स्टेप के लिए सबसे पहले हम दिए गए स्टेटमेंट को P(k) अज्यूम करते हैं और यह प्रूव करते हैं कि P(k+1) भी ट्रू होगा। नाउ वी कैन राइट 4 इज लेस देन 32, विच इज लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर k, जहां k या तो 5 के इक्वल है या फिर उससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर है। तो अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 4 शुड ऑल्सो बी लेस देन 2 की पावर k। अब इस इनइक्वलिटी में 2 की पावर k बोथ साइड ऐड करने पर हमें यह मिलता है। आगे सॉल्व करने पर कुछ इस तरह की इनइक्वलिटी मिलती है, जिसे सिंप्लीफाई करने पर यह मिलता है, वेयर 4 प्लस 2 की पावर k इज लेस देन 2 की पावर k+1। नाउ हमने यह माना है कि 4 इंटू के इज लेस देन 2 की पावर k, इसमें दोनों साइड 4 ऐड करते हैं, जिससे यह मिलता है। सिंस यह टर्म 2 की पावर k+1 से छोटा है, यानी 4 इंटू k+1 शुड ऑल्सो बी लेस देन 2 की पावर k+1। यह इनइक्वलिटी स्टेटमेंट P(k+1) के इक्वल है, मतलब P(k+1) इज ऑल्सो ट्रू। तो हमने इनिशियली ये अज्यूम किया था कि P(k) ट्रू है और हमने ये प्रूफ कर दिया कि P(k+1) भी ट्रू होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि PN इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स।